भूतिया दुल्हन। एक समय की बात है, समंदर के पास एक मछली पकड़ने के शहर में एक डरपोक नौजवान रहता था जिसका नाम था रूविन। वो अपने दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना के बराबर थी। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड अलाइजा बिंदास थी और हर कोई उसे पसंद करता। बधाई हो। कोई तो शादी कर रहा है। मिस्टर एज़रा, जो उस शहर के हल्के गहनों की दुकान के हसमुख मालिक और रूविन के बॉस थे, उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अलाइजा को अंगूठी कब देने वाले हो मेरे बच्चे? अंगूठी अलाइजा को? आप दोनों मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? सिर्फ अच्छी चीज है मेरी बच्ची, तुम्हारे दोस्त की अंगूठी कमाल की है। शादीशुदा होने का एक अलग ही मजा है। मैं हमेशा एक रोमांटिक प्रपोजल चाहती थी। ये सुनकर रूविन शर्माने लगा और वहाँ से भाग गया, और उसके पीछे मिस्टर एज़रा भी गए। रूविन, क्या बात है? मिस्टर एज़रा, मैं अलीजा को प्रपोज करना चाहता हूँ, पर क्या मैं उसके लिए ठीक इंसान हूँ? रूविन, तुम उससे प्यार करते हो? उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बेटा, तुम उसके लिए बिल्कुल सही बंदे हो। प्यार एक कीमती तोहफा है और उसे संभाल कर रखना। रूविन के दिल के अंदर एक नई हिम्मत जागी। उसी शाम को वो शहर में एक जौहरी के पास गया। अगले दिन अलाइजा ने रूविन को जौहरी की दुकान पर देखा। आखिरकार उन चमचमाती अंगूठियों के बीच रूविन एक परफेक्ट अंगूठी चुनता है, लेकिन अलाइजा उसे देख लेती है। आखिरकार मेरे लिए कुछ और भी है जो तुम देना चाहते हो? अलाइजा, क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? ओह जरूर। रेस्टोरेंट पर रूविन हिम्मत जुटाकर प्रपोज करता है। क्या ये यहाँ प्रपोज करेगा? अलाइजा, क्या तुम मेरे थोड़ी आइसक्रीम खाना चाहोगी? ओ, ठीक है। इतनी कोशिशों के बावजूद रूविन हिम्मत नहीं जुटा पाया। दिन यूं गुजर गया और वो प्रपोज नहीं कर पाया। इससे रूविन हताश हो जाता है। उदास होकर शाम को वो अलाइजा को घर छोड़ने जाता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मैं प्रपोज करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये आसमान के तारे भी ना मेरे प्यार के आगे कम हैं। क्या तुम अलाइजा मुझे रूविन को अपना पति बनाना चाहोगी? जब रूविन अपने प्रपोजल की तैयारी कर रहा था, उसे सरसराने की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ता है। पेड़ की टहनियाँ हिलने डुलने लगती हैं और उसके अंदर से फटे पुराने शादी के जोड़े में कोई बाहर निकलता है। ये थी एक भूतिया दुल्हन, मैटिल्डा। तुमने मेरा नाम गलत बोला। मैं अलाइजा नहीं हूँ, मैं मैटिल्डा हूँ। मैं खुश हूँ कि हमारी शादी हो गई। आई? ओह, मेरे पतिदेव बुलक्कड़ हैं। देखो, हमारी शादी हो गई। शादी? हाँ, मुझे सबको बताना है। अचानक उसके सामने एक छेद खुलता है और रूविन खुद को फिसलता हुआ पाता है सीधे अंडरवर्ल्ड में, और साथ में मैटिल्डा भी होती है। हाँ, मैं कहाँ हूँ? हाँ? नहीं। अंकल डेविड, आंट पिटूनिया। ओह, हेलो बेटा। ये एक अंगूठी है? हाँ, मेरी शादी हो गई। ये सबसे अलग किस्म की शादी थी। लेकिन किससे? इससे। दोनों रूविन की तरफ हैरान होकर देखते हैं। लेकिन मैटिल्डा, ये जिंदा है। इसकी त्वचा कितनी मोटी है। और इसकी तो उंगलियां भी सही हैं।
मम्मी। पतिदेव कितने खुश हैं। तुम लोग हमें बधाई नहीं दोगे क्या? बधाई हो। रूबेन जो बुरी तरह डरा हुआ था वहाँ से भागना चाहता था। रूबेन? हैं? रूबेन के सामने उसकी स्वर्गवासी दादी खड़ी थी। जब वो जिंदा थी तब रूबेन उन्हें बहुत चाहता था। दादी आप? ये सच में आप हो क्या? हाँ मेरे बच्चे। ओह माय गॉड दादी, ये तो आप ही हो। मेरा प्यारा बच्चा, तू यहाँ पर क्यों? रूबेन को अपनी दादी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो सहम गया और उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया। वैसे गड़बड़ी तो हो गई है। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो तुम्हारी नई बीवी ढूंढते हैं। दादी यहाँ सब कुछ बड़ा डरावना है। रूबेन याद रखना, एक समय में ये सब भी जिंदा थे। एक बार इन्हें जान लोगे तो डर नहीं लगेगा। दोनों वापस पीछे गए। पतिदेव तुम वापस आ गए, कहाँ चले गए थे? हैं? बेटा तुम्हें डराने के लिए हम माफी मांगते हैं। हम बस खुश हो गए थे। जब रूबेन ने उन भूतों को एक नए नजरिए के साथ देखा तब उसे एहसास हुआ कि जैसा वो सोच रहा था ये लोग वैसे नहीं हैं। मटिल्डा, तुम एक जिंदा इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैंने नहीं, इसने मुझसे शादी की है। इसे जिंदा लोगों के शहर वापस जाना होगा। मटिल्डा की आंखें चमकने लगी। प्लीज रूबेन, मुझे जिंदा लोगों के देश में लेकर जाओ। रूबेन मैटिल्डा को किया गया वादा और जिंदा लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंस चुका था। पर मुझे घर जाना होगा। हिचकिचाते हुए रूबेन मान गया। ये क्या तुम सही कर रहे हो? मुझे शादी को कुछ भी करके तोड़ना होगा। रूबेन सुरंग के रास्ते से निकला। जो वादा उसने मैटिल्डा से किया था उसे उसका दिल भारी हो गया था। पहले हम क्या करें? पहले हमें शॉपिंग करनी चाहिए। रूबेन मैटिल्डा को शहर में लेकर गया। नसीब से वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, हालांकि उसने अलाइजा को देख लिया था। अरे नहीं, अभी नहीं। रूबेन? अलाइजा से बचने के लिए रूबेन मैटिल्डा को अंधेरे गलियों से लेकर गया। हाँ? जल्दी वो कपड़ों की शॉपिंग में लग गए। फैशन कितना बदल गया है ना? ये अच्छी लग रही है ना रूबेन? एक बड़ी वाली ट्राई करें क्या, या शायद कुछ और बेहतर, वहाँ देख कर आते हैं। जैसे ही वो गए अलाइजा ने उन्हें फिर देख लिया। रूबेन। रूबेन ने मैटिल्डा का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गए। अलाइजा उनके पीछे पीछे आ रही थी। रूबेन रुको। मैं उससे और नहीं छिप सकता। गहनों की दुकान में छुप कर रूबेन और मैटिल्डा थोड़ी देर रुक गए। वाह कितनी प्यारी है। ओ, ये क्या है? उसने एक छोटे से रेन ड्रॉप पेंडेंट को उठाया। उसके अंदर एक छोटा सा गुलाब का बगीचा था। ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। रूबेन मैटिल्डा के साथ बाहर खिसकने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से वो सीधे अलाइजा से टकराया। रूबेन तुम इस तरह छुप क्यों रहे हो, और ये कौन है? ये तो गौर से देखने पर अलाइजा डर गई। ओह, ये तो एक लाश है। मेरा नाम मटिल्डा है और मैं रूबेन की दोस्त नहीं, इसकी बीवी हूँ। क्या? ये एक एक्सीडेंट था। रूबेन ने हैरान अलाइजा को सब कुछ जल्दी जल्दी बताया। तुम मुझे प्रपोज नहीं कर सके और तुमने एक लाश से शादी की? अपनी जिंदा गर्लफ्रेंड को छोड़कर रूबेन? गर्लफ्रेंड? बदनसीबी से तुम नहीं जीती। ये कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे इस शादी को तोड़ने का रास्ता ढूंढना होगा। ये नहीं हो सकता। तुम अपनी शादी इससे तोड़ दो। हमारी शादी पक्की है। कोई तो रास्ता होगा। हाँ हो सकता है, अगर मैं भूतों के बुक क्लब में शामिल हो जाऊँ। सच में? तो हो जाओ। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है। मैटिल्डा रोने लगी। अंडरवर्ल्ड में मेरे दोस्त हैं, भूतिया बुक क्लब में कोई नहीं है।
मैटिल्डा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब वो जिंदा थी वो किसी से प्यार करती थी जो उसे भी बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के दिन वो कहीं गायब हो गया और शादी की अंगूठी पहनने के बजाय उसका दिल टूट गया था। सालों से मैं ये शादी का जोड़ा पहनकर घूम रही हूँ और काफी मरे हुए लोगों की नजर भी पड़ी, पर अब तक कोई दूल्हा नहीं मिला। मैटिल्डा की दुख भरी कहानी सुनकर अलाइजा को हमदर्दी हुई। मैटिल्डा, तुम रूबेन को नहीं ले जा सकती, लेकिन हम तुम्हारे प्रेमी को ढूंढने में मदद करेंगे। सच में? हाँ, या पता लगाएंगे कि उसे हुआ क्या है, शायद तब तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद कोई मुझे याद नहीं रखेगा। हम तुम्हें याद रखेंगे। ये सुनकर मैटिल्डा को बहुत अच्छा लगा। अब अपने गुमशुदा प्रेमी के बारे में बताओगी? इतने साल बीत चुके हैं, मेरी याददाश्त पर धूल जम चुकी है। वो एक कमाल का नाविक था और उसके पास बहुत सारे पैसे थे। वो मुझे तोहफे देता था और उसकी नाक के नीचे दिल के आकार का तिल था। ठीक है, फिर इतना काफी है। क्या ये उनकी गलतफहमी थी? मैटिल्डा के प्रेमी को ढूंढते ढूंढते काफी दिन लग गए। उन्होंने मिस्टर एज़रा से भी मदद मांगी। क्या आप उस समय के किसी अमीर नाविक को जानते हैं? अमीर नाविक? सभी नाविक एक आम जिंदगी जीते हैं। मुझे पूछने के बदले उनसे पूछ लो। रूवेन ने बिल्कुल वैसे ही किया। मुझे अभी अभी कुछ याद आया, वो रेड रोज नाविक के नाम से मशहूर था। उन्होंने नाविकों से पूछा लेकिन वो उस नाम से परिचित नहीं थे। हमने हर जगह ढूंढ लिया। रूवेन का इंतजार करते हैं, फिर कोशिश करेंगे। रूवेन मिस्टर एज़रा से मिलने गया था जो बीमार थे। उन्होंने देखा कि रूवेन कितना परेशान था। रूवेन, मेरी फिक्र मत करो, अलाइजा से शादी कैसे करोगे उस पर ध्यान दो। क्या प्रॉब्लम है? उसी पर काम कर रहा हूँ। जब प्यार मिलता है तो बिना सोचे समझे उसे थाम लो। एक बार मुझे भी प्यार हुआ था लेकिन मैंने मौका गवा दिया। वो जोर जोर से खांसने लगे और रूवेन ने उन्हें आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। जब उनकी तलाश जारी थी, मिस्टर एज़रा की सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन मैं जरा मिलकर रूवेन दौड़कर मिस्टर एज़रा के घर पहुंचा। पीछे पीछे मैटिल्डा और अलाइजा भी आई। वो काफी बीमार थे। रूवेन, यहाँ आओ। ओह मिस्टर एज़रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सालों पहले मैंने अपनी प्रेमिका से शादी करने के मौके को गवा दिया। वो एक चुलबुली लड़की थी जिसे गुलाब और बारिश पसंद थी। गुलाब और बारिश? हाँ, मैं विदेशी तटों का एक नाविक था और मैंने उसे प्रपोज किया, लेकिन किस्मत ने मुझे उससे दूर कर दिया। अरे नहीं, जब मैं इन तटों पर वापस लौटा वो दुनिया छोड़ चुकी थी। ये पेंडेंट मैं तोहफे के तौर पर उसे देना चाहता था। एक मिनट, उसका नाम क्या था? मैटिल्डा। एज़रा? मिस्टर एज़रा मैटिल्डा को देखकर चौंक गए। जब अलाइजा और रूवेन ने उन्हें सब कुछ बताया तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इतने सालों बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, मैंने पेंडेंट को पूरा भी किया। जब मैंने देखा था तब ये अधूरा था। मिस्टर एज़रा को अचानक थकान महसूस होने लगी। लगता मेरे जाने का समय आ गया है। खैर, आखिरकार अब हम दोनों एक साथ होंगे एज़रा। मैटिल्डा ने अपना मन बना लिया था और आखिर में वो दोनों एक साथ हो गए थे। रूवेन, सॉरी मैंने तुम्हें तंग किया। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। अब तुम अलाइजा से शादी कर सकते हो। हम तुम्हें याद रखेंगे। रूवेन, जल्दी से तुम दोनों शादी कर लो। रूवेन और अलाइजा ने उन्हें अलविदा कहा। उस सब के बाद आखिरकार रूवेन ने अलाइजा को प्रपोज किया और उनकी शादी धूमधाम से हुई। आखिरकार। पता है कितनी अजीब बात है कि हमें पता नहीं था कि मिस्टर एज़रा एक नाविक थे। अगर वो किसी दूसरे देश से होते तो यहाँ इतने मशहूर नहीं होते और उन्होंने पैसे के बजाय एक आम जिंदगी चुनी। ओह, उस दिल के आकार के तिल के बारे में क्या? रूवेन ने अपना पर्स निकाला। उसमें बिना मूछों वाले मिस्टर एज़रा की तस्वीर थी। ये रहा। वो सिर्फ मैटिल्डा के आसपास ही रहना चाहते थे, सिर्फ प्यार के खातिर, बिल्कुल हमारी तरह। मैटिल्डा और मिस्टर एज़रा की यादों को दिल में लिए
अलाइजा और रूवेन ने एक बहुत ही जरूरी सबक सीखा, अगर जिंदगी में प्यार आए तो उसे जाने मत देना।